हे व्हाट्स अप गाइस, हम है आपके जुड़वा सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हम लोग ऐसे सॉन्ग्स भी, तो गाइस कोई तो आ गया था, तो ऐसा होता है, छोटी बड़ी बड़ी शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। मतलब ये इसका तात्पर्य ये है कि हमारे साथ भी ऐसा शूटिंग वूटिंग रोकते वक्त किसी का आवाज, ऐसा कोई ना कोई आता है या फोन बज जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, कभी तो उसका आवाज, कभी इसका आवाज, कभी कुछ भी होते रहता है। ठीक है, तो गाइस गाने, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इंस्टा पे जो वायरल सॉन्ग्स होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, तो वैसे ही वीरेंद्र बरार को हम लोग नॉर्मली रिव्यू करते हैं। क्योंकि रील में क्या हो जाता है, थोड़ा सा गाना होता है तो समझ में नहीं आता, इसलिए हम वो गाना लेके आते हैं कि फुल हम सुनते हैं, उसके बाद आपको बताते कि हाँ सही में डिजर्व है। और मेन फैक्ट ये है, इसका तात्पर्य बोलने का ये है कि आजकल जो गाने अपने इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में वायरल होते हैं ना, वो स्ट्रेटजी के हिसाब से किए जाते हैं, स्ट्रेटजी के हिसाब से किए जाते हैं। तो हमारा काम ये है कि भाई ये ओरिजिनल में अच्छा है क्या, सिर्फ उतनी क्लिप अच्छी है, तो हमको एक्सप्लोर करना ये बहुत जरूरी लगता है और आपको भी समझ में आएगा कि नहीं, आपके साथ देखने को मजा आता है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इंस्टाग्राम वायरल सॉन्ग था बाय वीरेंद्र बराल, बरार जो भाई ने बहुत गाने ऐसे बनाए हैं और हम लोगों ने सुने भी है, गाने के थोड़े से तड़ी पारी गाने रहते हैं। तो ठीक है, गाने पे आते हैं, आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में बताओ और गाने कौन से चाहिए, पंजाबी गानों की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो आप करते ही हो, बाकी भी सजेस्ट करो। और अगर हमारे दोनों के एनर्जी में थोड़ी सी कमी लगी तो माफ कर देना, क्योंकि आप समझ पा रहे हो मेरी तबीयत खराब है, मेरा गला खराब है फुल ऑन, बिल्कुल। अब फोन आया, देखो ऐसा हो रहा था, एक मिनट ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, तो मैं अभी आता हूँ गाने पे और सुनते हैं वन टेक में क्या होता है। बाकी आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे होती है चीज, ऐसा थोड़ा सा क्या छुपाना है, ऐसा होता है तो होता है। तो चलो, वीरेंद्र बरार ने वैसे भी बहुत अच्छे गाने दिए हैं और अभी आते हैं इस गाने पे और क्या क्यों वायरल है, क्या ऐसा है इस गाने में, जरूर इसके तख्त पे बात करते हैं। जैसे कुछ कुछ यूट्यूबर्स जो तख्त पे बात करते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के हिसाब से, नहीं क्या? तो वैसा, तो चलो हम लोग भी तख्त पे बात करते हैं इसके, क्यों वायरल हुआ क्यों नहीं। चलो ओके, अबे रॉकी भाई ऐसा क्यों दिख रहा पूरा रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, थोड़ा पीछे कर यार, सलाम रॉकी भाई। बट यार गुड कार है, गुड कार, कार अच्छी है, शूट बहुत प्यारा किया, शूट बहुत प्यारा किया है, बस वगैरह एकदम वही विंटेज वाली नहीं क्या, प्रॉपर स्टार्ट बहुत अच्छा किया है, तो लुक काफी अच्छा दिख रहा है। अब तक ये प्लस होते जा रहा है, मतलब ऐसे ही वायरल नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे को अभी आ रहा है थोड़ा सा, अभी एंड में ज्यादा देखते हैं कि क्यों क्या कैसे। चलो पुराना वाला फोन लावा का कैसा फूक रहा हूं, जट पिस्टल यार यार रोंद कुड़े नी मेरी एना बिना किथे होंद कुड़े, ऐसे तक किसी नाल साइन नहीं तू कर ले करना बोंड कुड़े, साडे युते केसा दे मिलते ना गवाह बलिया, साडी जिंदगी ठा बलिए नी सानू एरे गेरे दी नी परवाह बलिए, साडी जिंदगी अरे नाइस नाइस नी सानू एरे गेरे दी नी परवाह बलिए नाइस। सबसे पहली बात, जो गाने में फुकरी दिखाई है उसके वजह से लोगों ने अपने ऊपर लिया है गाना है कि मेरे, जो ऐसे बहुत चलता है आजकल, मतलब फुकरी मतलब वैसा वैसा नहीं, वैसे फुकरी नहीं, मतलब ठीक है आप समझ रहे हो ना, मतलब रुतबा टाइप का, क्योंकि आजकल कैसा है कि मैंने नॉर्मली देखा कि जेब में 2 रुपए पर उसको गाने ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे लोग इस गाने को फेमस करते हैं। बट इसका जो मौत का कुआं के बीच में जो इन्होंने वीडियो शूट किया, ये कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत प्यारा लगा, बिल्कुल। तो वीरेंद्र बरार भाई वीडियो में प्लस पॉइंट आ रहा है आपको, और लिरिक्स में प्लस पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अभी तक बाकी म्यूजिक पे आते हैं और बस बताने का मन किया तो मैंने रोका, उसके लिए माफ चाहता हूँ। बट
हमारा काम है रिव्यू करना, तो अभी रोकूंगा नहीं मैं, थोड़ा सा पीछे कर ले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लिरिक्स काफी अच्छी है। पर ये जो हमारे रॉकी भाई है, बस कर, मतलब वीरेंद्र बरहर, कुड़े नी मेरी ऐना बिना किथे होंद कुड़े, ऐसे ता किसे नाल साइन नहीं तू कर ले करना बॉन्ड कुड़े, साडे उत्ते केसां ते कोई मिलदे ना गवाह बलिया, साडी जिंदगी ठा बलिए नी सानू ऐरे गेरे दी नी परवाह बलिए, साडी जिंदगी ठा बलिए नी सानू ऐरे गेरे दी नी परवाह बलिए। जेड़े लीडरां वांगू कर दी है तू सारे वादे समझा मैं, जेड़े वांग शकीरा कर दी है तू लक दे हुलारे समझा मैं, सानू वार दा पता है कुट मार दा पता है, सानू पता नहीं है प्यार की नू कहिंदे आ, सानू यार दा पता है हथियार दा पता है, होया अख दा शिकार की नू कहिंदे आ, आउणा है ते आ जा नहीं ते ठठे खूह विच जा बलिए, साडी जिंदगी बहुत अच्छा शूट किया है यार। छले 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 नी बड़ा कट कर जागे नी जदो यार दुनिया तो चले, निखरे खरे नाल रखे नी दूर रखे आपा दले, दूर रखे आपा दले, रिलेशन दे वेच बहुता रहिंदे नी ए, महफिलां वेच ज्यादा रहिंदे पैसे तेले दा हिसाब बहुता करदे नी पर वैरी तो हिसाब पूरा लैंदे आ, जे तेरी अखां च नशा है साडे कप्पां च गुड़े, तेरी अखां च बारूद साडे ढप्पां च गुड़े, तैनू चांदी आ पसंद सानू पत्तल गुड़े, जे चल लेगी ठीक आ नहीं तां निकल गुड़े, उंगल जेड़ा करदा है ओनू गिफ्ट च दंदे वां बलिए, साडी जिंदगी है सानू शरीफ दुनिया च असी विगड़े चंगे आ, पर असी किसे तो जेलस करदे नहीं, बिल्कुल जी, बेबे नु कहा सी गरीब जम्मे जरूर आ पर गरीब मरदे नहीं। ओ तो ये वाली लाइन जो है ना बहुत प्यारी लाइन है कि गरीब पैदा तो हो गए पर गरीब मरेंगे नहीं, ये लाइन अभी एक गाना आया था एक आर्टिस्ट का, उसने भी ये वाली सेम लाइन यूज की थी, एमवी ने, एमवी बंटाय ने सेम लाइन यूज की थी। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा पीछे करके मैं वापस लगा, बहुत गाना अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लिरिक्स, बहुत अच्छी लिखी, म्यूजिक पे डीप रिव्यू करूंगा लास्ट में, बट मैं बहुत अच्छी चीज बोलना चाहता हूँ कि वीरेंद्र बरहर के बारे में। सबसे पहले तो लिरिक्स भाई लिखते हैं भाई मैं देखूंगा, ठीक है, लिरिक्स किसने लिखी है वो लास्ट में देखूंगा, बट जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है अच्छा, सिंगर और लिरिक्स, सिंगर लिरिक्स वीरेंद्र बरहर ने लिखी है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस भाई। बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, गाने के अलावा आपने एक्टिंग जो की है इसमें, जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है, वीडियो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो आपने एक्टिंग की है वो लाजवाब की है, मैं उसको हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक सिंगर होके इतनी प्यारी एक्टिंग करना, मतलब जैसे हमारे सिद्धू भाई भी कुछ कुछ शॉट्स बहुत, मेरे को पहले पहले वीडियो में उतनी एक्टिंग पसंद नहीं आती थी सिद्धू भाई की, बट जैसे कि जो नया एल्बम आया था भाई का एकदम लास्ट वाला, बिल्कुल, जो भाई मुस्टेप जो था उसमें जो वीडियोस में भाई ने एक्टिंग की है बहुत अच्छी की, और जो ये वाली जो एक्टिंग की है, मतलब जो लुक्स बहुत अच्छे दिए है, मैं बता रहा हूँ, तो एक्टिंग में भी प्लस नंबर ले रहे हैं भाई, और लिरिक्स के वजह से, लिरिक्स कंपोजिशन के वजह से भाई की, बट मैं म्यूजिक पे आऊंगा, एक चीज है म्यूजिक में, मैं आपको थोड़ी सी एक म्यूजिक के बारे में बात है वो मैं एंड में बताऊंगा, बट बाकी सब बहुत अच्छा है, और रॉकी भाई ने भी अच्छा काम किया हमारे वीरेंद्र भाई अपने, क्योंकि वैसे ही दिखा रहे जैसे रॉकी भाई का माहौल रहता, बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया लिरिक्स तो मेरे को काफी अच्छी लगी है, लगा आपके वजह से समझता है यार अभी, हाँ। सही है, चलो सुनते हैं, पीछे नहीं किया थोड़ा सा, किया ना चलो, चल लेगी ठीक है नहीं तो निकल कुड़े, उंगल जेड़ा करता है ओनू गिफ्ट च दंदे वहां बलिया, साडी जिंदगी ठा बलिया नी सानू शरीफ दुनिया च असी विगड़े चंगे, पर असी
किसे तो जैलस कर देनी। बेबे नू कहा सी गरीब जमे जरूर है पर गरीब मरते नहीं। बापू दे कहण ते साला छबियां च वड्डी कोठी नाल खड़ी गड्डी करती है। जिंदगी लंबी जीने का कोई शौक नहीं हमें, जिन्नी क मिली ओही वड्डी करती है। सही बात है जी, ओही वड्डी करती है साडी जिंदगी है ठाप। शेरा भाई ने, शेरा भाई अच्छा, बस डायरेक्ट केला, डायरेक्ट केला है, ठीक है, मजा आ गया। शेरा भाई अभी बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ अपने डायरेक्शन भी कर रही है, पता नहीं था मेरे को। तो जो शेरा भाई जो हम लोग जानते नहीं शेरा भाई को, हाँ, पहली बार मुझे मैं ये डायरेक्शन में भी पहली बार मैंने ये नाम देखा है, सच्ची बता रहा हूँ, पंजाबी इंडस्ट्री में। बट अगर शायद शेरा भाई के अपन वीडियो नहीं देखे होंगे, बट शेरा भाई बहुत अच्छा आपने डायरेक्ट, सॉरी डीओपी भाई ने भी, गैवी खैरा भाई ने बहुत अच्छे शॉट्स, बहुत अच्छा एडिटर, मिस्टर एडिटर, अरे जो मेरा दोस्त है, जो अपना दोस्त है, बहुत अच्छा एडिट किया मेरे भाई, बहुत अच्छा कलर था, कलर बहुत अच्छा किया है भाई, अगर आपने कलर किया हो इसमें बहुत अच्छा एडिट, और कलर अगर आपने किया होगा तो कलर भी बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वीडियो का उसके ऊपर वो प्रॉपरली गया। जो हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा विंटेज दिखाया वीडियो को, तो विंटेज के हिसाब से ही कलर था वीडियो में, तो वीडियो टीम को बिग शॉट आउट, बहुत अच्छा काम किया वीडियो टीम ने। कुछ कुछ जगह पे मुझे कंटिन्यूटी भी काफी अच्छी लगी, अच्छा कंटिन्यूटी पकड़ के रखा था मैं देख रहा था ठीक अभी, तो वही देख रहा था। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मेरा ध्यान उतना बारीक से क्यों नहीं था, क्योंकि मेरे को बात करते हुए आ रही है चक्कर, क्योंकि आपको समझ रहा है कि मेरी आवाज बैठी है और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पर आपसे दूर नहीं रह सकते इसलिए हम लोगों ने शूट किया। तो परफेक्ट लिरिक्स, परफेक्ट वोकल्स, परफेक्ट जो मतलब अभी देख रहे थे ना अपन कि यार ये क्यों चल रहा है, अच्छी कास्टिंग क्यों चल रहा है ऐसा, तो ये अभी समझ में आया, लिरिक्स बहुत अच्छी है, लिरिक्स प्रॉपर जैसी चाहिए थी वैसी लिरिक्स है। बट आते हैं म्यूजिक पे, म्यूजिक कास्ट भी अच्छा था, कास्ट भी अच्छा था, कास्टिंग बहुत अच्छी थी, कास्ट ने भी अच्छा काम किया। जैसे कि म्यूजिक मतलब लिरिक्स में जो एग्रेशन है और जो एटीट्यूड है वही म्यूजिक में होता तो बहुत अच्छा ऐसे लग रहा है। हाँ। जैसे कि मैं म्यूजिक सुन रहा था तो ऐसे लग रहा था कि मतलब मैं कोई डीप हाउस सुन रहा हूँ, वो भी स्लो मोशन में, मतलब एकदम बेसिक स्टार्टअप, स्टार्टअप होता है एकदम, नहीं क्या एकदम, मतलब आप जाते एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग रेड रेड, वो तो रेगेटन है बट ऐसे स्लो गाने नहीं क्या, ऐसे 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 जैसे जो हिसाब से लिरिक्स थी ना वो हिसाब से हमें ऐसा लगता है म्यूजिक बीट और एलिमेंट मैच नहीं कर रहे थे, म्यूजिक और बाकी एलिमेंट थोड़ा सा एग्रेशन डाल देते थे, मजा आ रहा था, समझ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक मतलब जैसा एग्रेशन है ना, नहीं आप बोलो कोई भी इसको अगर एग्रेशन जिस हिसाब से लिरिकली लिरिक में जो एटीट्यूड था वो म्यूजिक में आता ना, म्यूजिक के एलिमेंट में एटीट्यूड आता था ना वो, तो शायद म्यूजिक और ज्यादा सक्सेस होता था ये गाना। बट हाँ मैं म्यूजिक के बारे में ये बोलना चाहूंगा, अरे यार बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे एग्रेशन, देखो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एग्रेशन डाले जाते हैं, ठीक है, तो वो भी अगर ये यूज करते थे तो मजा आ जाता था, मतलब एंग्रीनेस और एटीट्यूड में गाना आ रहा है इधर और म्यूजिक में आ रहा है इधर, बट लिरिक्स ने बहुत ज्यादा, मैं लिरिक्स को और वीडियो को पकड़ के रखूंगा, ऐसा बोलूंगा कि वो क्या हो गया, गाना एकदम एग्रेशन में है और म्यूजिक एकदम उससे भी थोड़ा सा, वो तो मस्ती वाला गाना है, म्यूजिक के साथ मतलब उसके गाने के साथ वो जो परफेक्ट है, परफेक्ट है, exactly. तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इसके लिरिक्स के हिसाब से म्यूजिक जैसा मतलब एग्रेशन एग्रेसिव चाहिए था वैसा नहीं था, बाकी गाना बहुत अच्छा है, गाना बहुत सारे है यार ऐसे नॉर्मली ये मिसमैच हो रहा है बस म्यूजिक और ये मिसमैच हो रहा है। मैं आपको कैसे उदाहरण बहुत सारे है यार, जैसे कि ये बारह बंदे सुने ना, बारह बंदे बली वो मेरे को, मैंने बहुत डीप रिव्यू किया है बारह बंदे का, आप देख लेना उसमें भी मेरे को जो उन्होंने हाँ तो वो जैसे बली है ना वो जो उसमें एलिमेंट्स थे वो बाहर से कॉपी थे थोड़े से बिल्कुल, बट उन्होंने प्रॉपर किया है उस लिरिक्स को प्रॉपरली जा रहा था ऐसा मैं बोल रहा हूँ बस, शायद वो म्यूजिक प्रोड्यूसर और जो भी म्यूजिक वाले सुन रहे हैं वो समझ पाएंगे इस बात को, बाकी अगर हमसे कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी तो भी माफ कर देना, हमारा काम है आपको डीपली रिव्यू देना तो हम लोगों ने दिया। बाकी वीरेंद्र भाई बहुत गाना अच्छा है, बहुत मजा आया, वीडियो भी बहुत अच्छा बनाया, ऑडियो में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बस कोई नहीं चलता है, हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती, बाकी
ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और प्लीज नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।